नवरात्रि के पर्व पर सभी देवी के मंदिरों में 9 दिनों तक ज्योत जलाने की प्रथा है और घरों में भी ज्योति प्रज्वलित की जाती है। ये जो विशेष आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये है मैजिक लैम्प। इस लैम्प में ऊपर एक भाग दिखाई दे रहा है जैसे पानी का टंकी होता है, उसमें तेल भरा होता है और नीचे जो पार्ट है वो में दीप प्रज्वलित होता है। एक बार तेल भर दें तो ये लगभग 48 घंटे तक चलता है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने जो उठाया है ये इसका ऊपर का भाग है, ये देखिए ये, और ये इसके नीचे का भाग है। इस हिस्से में दीप प्रज्वलित किया जाता है और ये देखिए यहाँ पर एक होल दिख रहा है आपको, ये देखिए ये देखिए, यहीं से दीप तेल धीरे धीरे आता है, ये देखिए ये होल दिख रहा है और आपको इसके अंदर ये यहाँ से तेल डालना होता है, ये यहाँ से, और ये देखिए ये दिख रही है एक इसमें ये टोंटी, यहाँ आप उंगली रखिए ऊपर, तेल पूरी तरह से भर दीजिए और फिर उसको यूं उंगली वहीं रखे हुए यहाँ पर इसको पलट देना होता है, ये देखिए ये इसके अंदर ऐसा पलट देते हैं, ये इस हिस्से से धीरे धीरे तेल गिरता है जो यहाँ पर दीप प्रज्वलित होते हुए जलता है। जब तेल कम होता है तो यहाँ से अपने आप उसमें तेल बाहर आने लगता है। ये मैजिक लैम्प 48 घंटे तक आपके दीप प्रज्वलित रखता है और कोंडा गांव में कुम्हार पारा है वहाँ पर जो कुम्हार हैं इसे निर्मित करते हैं। इसकी कीमत भी बहुत नहीं होती, आकार के अनुसार इसकी कीमत निर्धारित होती है। 200 रुपये में मैंने इसे परचेस किया था और हर कुछ समय बाद यदि लगता है तो 48 घंटे बाद यहाँ उंगली रखिए और इस तरह इसे बाहर निकाल कर फिर यहाँ से तेल भर दीजिए और जब आप यहाँ अंगूठा रखते हैं तो पलटते हैं तो तेल गिरता नहीं क्योंकि हवा का प्रेशर नहीं होता। फिर उसे इसी तरह पलट दीजिए और आपका दीप प्रज्वलित हो इस तरह से लगातार यह जलते रहता है।